बच्चों को लिखने सिखाने के लिए कभी कभी कुछ कुछ परेशानियाँ आती हैं। अब सबके साथ एक जैसी परेशानी नहीं होती, लेकिन परेशानियाँ आती हैं। जो ज़्यादातर परेशानियाँ हैं उसके विषय में मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला लेटर ए से। यहाँ से एक तिरछा लाइन इधर, यहाँ रुकना है, फिर यहाँ ऊपर से एक तिरछा लाइन इधर, तीन लाइनों में ही लिखेंगे और फिर बीच वाली लाइन में एक ऐसा बनाएंगे। बी लिखने के लिए एक सीधी लाइन इस प्रकार, उसके बाद आधा गोला बनाएंगे जो ये ऊपर दोनों लाइनों को जोड़ेगा इस प्रकार से, फिर एक आधा गोला बनाएंगे और ये हो गया बी। ऊपर वाली लाइन से शुरू करते हुए गोल घुमाते हुए तीसरे लाइन तक जाएंगे, ये हो गया लेटर सी। डी लिखने के लिए एक आधा गोला बनाएंगे इस प्रकार से, और फिर एक खड़ी लाइन, ये हो गया लेटर डी। अब बच्चे जिस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं, मैं सारा वही तरीका बता रहा हूं। अब है अगला लेटर ई। एक खड़ी लाइन, यहां पर एक सीधी लाइन, यहां पर दूसरी सीधी लाइन, यहां पर तीसरी सीधी लाइन, एक सीधी लाइन, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। कोशिश करना है कि बच्चा जो है वो लाइन पर लिखे। लाइन पर लिखने का प्रैक्टिस जब अच्छे प्रकार से हो जाएगा तो लिखावट खुद ब खुद सुंदर हो जाएगी। पहले एक आधा गोला बनाना है लेकिन जिस जगह पर से शुरू किए थे, जिस जगह पर से हमने ये शुरू किया था उससे थोड़ा पीछे रुक जाना है, और उसके बाद यहाँ से ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर इधर जाएंगे दाहिनी तरफ और फिर इसे नीचे कर देंगे। एक सीधी लाइन, दूसरी सीधी लाइन और ये बीच की लाइन से जोड़ देंगे, ये हो गया एच। अब अगला लेटर जो है वो लेटर है आई। ये भी आसान है, बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। एक सीधी लाइन, ऊपर एक लाइन, एक नीचे लाइन। ध्यान रखना है इन तीन लाइनों में, पहली दूसरी तीसरी, इन तीन लाइनों में ही बच्चे को लिखवाने का प्रैक्टिस करना है। इससे नीचे वो कभी कभी लिख देते हैं, उनका हाथ चला जाता है। एक सीधी लाइन इधर और नीचे जाके ये गोल घूम जाएगा। के लिखने के लिए पहले एक ये सीधी लाइन, उसके बाद ऊपर लाइन से यहाँ बीच वाले लाइन तक एक तिरछा लाइन यहाँ लाना है, और दूसरा इसी जगह से
एक तिरछा लाइन इधर जाएगा। ये हो गया लेटर के। अब एल, एक सीधी लाइन, उसके बाद एक छोटा सा दाहिने तरफ। एम लिखने के लिए एक सीधी लाइन ऐसे, दूसरी सीधी लाइन इस प्रकार से, और दो तिरछी लाइनें बनाएंगे इस प्रकार से। ये हो गया लेटर एम। एन लिखने के लिए दो सीधी लाइन और बाई तरफ से दाहिनी तरफ जाना है इस प्रकार से। ये हो गया लेटर ओ। एक सीधी लाइन और एक आधा गोला इस प्रकार से। पी के बाद लेटर क्यू। इसमें थोड़े से बच्चे झिझकते हैं, कहां पर दिक्कत होता है वो चर्चा करते हैं। पहले एक गोल बनाएंगे। एक गोला बनाने के बाद इस पर ध्यान देना है, इस बीच जगह से थोड़े से बाईं तरफ से शुरू करेंगे और इस प्रकार से ऐसा घुमाते हुए एक लाइन बनाएंगे इस प्रकार से। एक सीधी लाइन, एक आधा गोला बनाएंगे जो इन दो लाइनों को जोड़ेगा एक आधा गोला, और यहां से एक तिरछी लाइन बनाएंगे इस जगह से। पहला आधा गोला इस तरफ से, दूसरा आधा गोला इस तरफ से। इस प्रकार से बच्चे जो है आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे। आधा गोला इधर, आधा गोला इधर, एक सीधी लाइन इधर, बीच से एक खड़ी लाइन नीचे, ये लेटर टी। यू लिखने के लिए सीधी लाइन, गोल घूमता हुआ यहां से और फिर सीधा ऊपर। वी लिखने के लिए एक तिरछी लकीर इस प्रकार, और यहां से दूसरी तिरछी लकीर इस प्रकार। ये हो गया वी। डब्ल्यू लिखने के लिए सबसे पहले एक सीधी लकीर, दूसरी सीधी लकीर, पहली लकीर से ऊपर यूं मिलाते हुए इस प्रकार नीचे दूसरी लकीर की तरफ बढ़ाएंगे। एक तिरछी लकीर इधर, दूसरी तिरछी लकीर जो कि इस जगह पर से गुजरेगा, ये ध्यान देना है, इस जगह से गुजरना चाहिए। एक्स। अब लिखेंगे लेटर वाई। जो बच्चों के लिए आसान है वो मैं बता रहा हूं। एक तिरछी लकीर, दूसरी एक तिरछी लकीर इस प्रकार से यहां बीच में काटते हुए इस ओर लाना है,
बच्चों के लिए ये आसान है, इस प्रकार से बताएं तो जल्दी सीखेंगे। इसके बाद लास्ट लेटर जेड, एक सीधी लकीर यहाँ, फिर एक तिरछी लकीर इधर, और फिर एक ये सीधी लकीर यहाँ पर। कोशिश करना है ऊपर जो लंबाई है लाइन का वही लंबाई नीचे भी हो, हल्का अगर नीचे बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बच्चे कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी नहीं जान रहे हैं उन्हें किस प्रकार से बताना है। लेकिन इसमें एक विशेष बात और मैं कहना चाहूँगा, जो लेटर्स आप लिखवाना चाहते हैं उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स प्रैक्टिस करना होता है। इसके पहले अगर वो बच्चे को प्रैक्टिस आप कराएंगे तो हैंडराइटिंग और बेहतर होगा और जल्दी लिखना सीख जाएगा, जल्दी लिखना उसके लिए आसान होगा। उसके लिए लिंक इसी वीडियो में है जो कि वीडियो के अंत में आपको मिलेगा, उस वीडियो को एक बार अवश्य देखें, वो हर किसी के काम का है। हैंडराइटिंग साफ सुथरा हो, सुंदर हो, उसके लिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जब लिखने के लिए आप देंगे तो अक्सर बच्चे कुछ बहाना करते हैं ताकि उन्हें लिखना ना पड़े, वो आसानी से वहाँ से निकल पाए। अब बच्चे अगर कोई बहाना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उन्हें झूठा नहीं बोलना है। हाँ, आप जान रहे हैं कि वो बहाना कर रहा है, लेकिन आपको इस प्रकार से उसे एहसास करवाना है कि ठीक है इसको लिख लो, इसको लिखने के बाद तुम्हारा ये जो परेशानी है इसे दूर कर दी जाएगी। अक्सर बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा लिखेंगे उसके बाद बोलेंगे हाथ में दर्द हो रहा है, बोलते हैं। कुछ बच्चे जो है सीधा कमर पे हाथ रखेंगे बोलेंगे ओह कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्हें बस वही कहना है कि बस थोड़ा सा और लिखो उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, फिर तुम्हें नहीं लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो है आप बोलते रहिए इधर लिखना है इधर लिखना है, वो उल्टा गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर लगातार नियमित रूप से नियमित समय पर आप उसे प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो सारा परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बस यही चीज़ जो है विशेष ध्यान देना है।